नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आहार विधि विधान या भोजन का नियम। जो भोजन का नियम होता है, खाने का जो नियम होता है, उस पर हम लोग सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, चैप्टर है, कहाँ वर्णित है, तो क्रिया शरीर का जो प्रथम प्रश्न पत्र में क्रिया शरीर का जो 10वां नंबर का आपका टॉपिक है, अर्थात आहार नाम का जो टॉपिक है 10वां नंबर का सिलेबस में, उसमें आहार विधि विधान का वर्णन है, अर्थात भोजन का नियम है। तो यहाँ पर जो कहेंगे भोजन का नियम में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो श्लोक है, ये दोनों रेफरेंस चरक संहिता के विमान स्थान का है, चरक विमान स्थान 4 का ये भी दोनों श्लोक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तत्र इदम आहार विधि विधानम अरोगाणाम आतुराम च अपि के सांचित काले प्रकृति एव हिततम भुंजानाम भवति। अर्थात कि इदम तत्र इदम आहार विधि विधान, इदम मतलब यहाँ पर आहार विधि विधान जो है, आहार विधि विधान अर्थात आहार का जो नियम है, आहार विधि विधान है, वो काले में समय पर प्रकृति एव मतलब स्वभाव से ही, समय पर स्वभाव से ही हिततम आहार करने वाले अरोगाड़ा में स्वस्थ व्यक्तियों के लिए लागू होता है। साथ ही साथ केसांचित आतुराम कुछ रोगी व्यक्तियों के लिए भी ये लागू होता है। तो जो आहार विधि विधान है, भोजन का नियम है, स्वस्थ व्यक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं रोगी व्यक्तियों आतुर व्यक्तियों के लिए भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इंपॉर्टेंस बात कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होती, हम लोग देखते हैं कि पहले के व्यक्ति मोटा अनाज ही खाते थे, कम खाते थे, लेकिन वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कि जो नियमता जो खाने खाने का है उसके अनुरूप नहीं खाना खाते हैं। खाने का समय अगर 12 बजे है, 1 बजे है, तो हम लोग 4 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, जब भी फ्री होते हैं अपने वर्क से, ड्यूटी से फ्री होंगे तब खाएंगे। इसका मतलब कि खाने का निश्चित न टाइम है, न खाने का टेस्ट मिलता है, न खाना गर्म है, मतलब कहने का मतलब कोई सिस्टमैटिक नहीं है। तो क्या होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं और कहीं ना कहीं वो बीमारी का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो नियम है उसके बारे में देखेंगे। टोटल यहाँ पर 12 रूल है, 12 नियम है, 12 नियम आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है कि करके 1, 2, 3 ये 7 इधर हो गया प्लस 5 इधर हो गया, 12 रूल है। तो श्लोक में देखेंगे, श्लोक तो आपके सामने लंबा चौड़ा है, तो श्लोक रटने की आवश्यकता नहीं बच्चों, श्लोक को सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। हमारा इस कहीं ना कहीं ये 12 पॉइंट हमें याद होने चाहिए, 12 पॉइंट याद हो जाएंगे तो इस श्लोक का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो 12 पॉइंट हम लोग को जैसे तैसे याद कर लेना है। तो आहार विधि विधान चाहे फर्स्ट प्रॉप में पूछे, चाहे सेकंड प्रॉप पूछे, चाहे फाइनल प्रॉप पूछे, या कोई भी कंपटीशन में पूछेगा, आपको याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं चरक के हिसाब से आहार विधि विधान के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जृढ़ वीर अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पनम अहसनम तन्मना वुंजित आत्मानम समीक्षक सम्यक। तो यहाँ पर कुछ 12 नियम है, तो एक एक करके बात करेंगे। देखेंगे उष्णम, उष्णम पहला पॉइंट है, उष्णम तो उष्णम दिया है ना, तो हम लोग पहला पॉइंट उष्णम, तो इसका मतलब होता है कि जो भी खाना हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको जो भी, चाहे सुबह का खाना हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, हमेशा गर्मा गर्म खाना होना चाहिए। तो उष्ण का मतलब होता है गर्मा गर्म खाना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह का खाना रात में खा रहे हैं, सुबह का खाना शाम में खा रहे हैं, जो कि आज के समय में होता है। तो जब पहले होता था, या जिन घरों में ये नियम लागू होता है, जिन घरों में ये नियम तल अप्लाई करते हैं, वहाँ कम से कम लोग बीमार पड़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और यहाँ पर सुबह का शाम, सुबह का दोपहर, रात का सुबह, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नियम नहीं है। उसको देखेंगे स्निग्धम, दूसरा है स्निग्धम। स्निग्धम का मतलब आप खाना बना लिए, उसमें तेल की मात्रा प्रॉपर नहीं डाले हैं, या खाना खाते समय उसमें घृत नहीं डाले हैं, तो क्या होगा, वो खाना टेस्टी नहीं आएगा, अच्छे से पाचन भी नहीं होगा, उसका आहार का निगरण भी नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए स्निग्ध का मतलब तेल घृत युक्त, चाहे आप मक्खन डाल ले, मलाई डाल ले, या तेल डाल ले, या जो भी चीजें है, ये उसके लिए कहा गया है। तीसरा पॉइंट है मात्रावत
मतलब मात्रावाद का मतलब कि जो एक निश्चित प्रमाण होना चाहिए, तो मात्रावाद का मतलब एक निश्चित प्रमाण में हर एक व्यक्ति के आहार की मात्रा होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग बच्चे हॉस्टल में हो, आप जिस दिन मेस बंद है तो उस दिन आपका प्रयास होता है कि आज पनीर की सब्जी बननी चाहिए। आप दो लोग हो, आप पार्टनर हो, आप लोगों ने खूब मन से बढ़िया प्याज लहसुन अदरक धनिया काट कर पनीर की चटपटी टेस्टी लाजवाब सब्जी आपने बनाई। बनाने के बाद आपके पड़ोसी रूम आपका देखता है कि आज तो कुछ अच्छा बन रहा है, तो क्या करता है, खाने से 10 मिनट पहले आपके यहाँ आ जाएगा, इधर उधर की बातें करेगा, आप समझोगे कि इसको भी खाना, इसलिए वो हट नहीं रहा है, तो मजबूरी में कहते हो कि आ भाई खा ले, तू भी खा ले। तो अब दो लोगों का खाना बना था, मान लीजिए एक दो लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या वो मात्रावत खाना हुआ? नहीं, आपका खाना आहार कम हो गया। तो कहने का मतलब कि वो खाना सबसे अच्छा है जो मात्रा के अनुरूप हो। अगर चार लोग का बनना तो चार लोग का बने, या एक लोग का बनना तो एक लोग का बने। कहने का मतलब ये है, खाना की मात्रा कम नहीं हो, चार रोटी की जगह एक रोटी खाओगे तो क्या मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। इसलिए कह रहा मात्रावत ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। चौथा देखेंगे जीर्ण। जीर्ण का मतलब होता है अच्छी तरह से पका हुआ खाना, या तो खाना देखेंगे या तो कच्चा खाना रहे या बहुत जल जाएगा चावल सब्जी दाल, तो भी मजा नहीं आता और पाचन नहीं होता, मन से खाया नहीं जाता पहली चीज तो। अगला देखेंगे पहला पॉइंट वीर अविरुद्ध। तो वीर अविरुद्ध का मतलब होता है कि जो भी खाना हो चाहिए, हमारे शरीर के जो भी वीर है, हर एक पर्सन का जो वीर है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अनुकूल ही होना चाहिए। उसको देखेंगे छठा पॉइंट देख रहे होंगे इष्ट देशे। छठा पॉइंट देखेंगे इष्ट देशे अर्थात मन के अनुकूल स्थान पर। तो इष्ट देशे का मतलब क्या है? मन के अनुकूल स्थान पर। तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन समय में या हम लोग के घरों में जो सिस्टम बना हुआ होता है कि जो खाना रसोई घर कुछ और होता है और खाने का जगह कुछ और होता है, लेकिन आज के समय में जो वर्किंग डेली दिनचर्या है हम लोग की, चाहे स्कूल वाली हो चाहे हम लोग ड्यूटी वर्किंग हो, तो खाने का निश्चित जगह नहीं है। अब खाना ऐसी जगह खाना चाहिए जहां पर अपना मन लग सके। ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे चार लोग देख रहे हैं और हमारा मन कर रहा है कि फलाना देख रहा है वो देख रहा है अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या है इष्ट देशे बोला गया कि मतलब मन के अनुकूल स्थान पर खाना खाना चाहिए जिससे चार लोग देख ना सके, पर्दा होना चाहिए कहने का मतलब। उसको देखेंगे सातवां प्रश्न इष्ट सर्व उपक्रम। इष्ट सर्व उपकरण मतलब होता है कि अनुकूल उपकरणों के साथ। तो खाना खा रहे तो वहां पर थाली भी होना चाहिए, वहां पर कप प्लेट इत्यादि भी होना चाहिए, ग्लास भी होना चाहिए, पानी का पात्र भी होना चाहिए, तो सभी उपकरण होने चाहिए तब मजा आता है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे न अति द्रुतम न अति विलंबितम। यहाँ न अति द्रुतम न अति विलंबितम। द्रुतम का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी, विलंबितम मतलब लेट 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 से, तो न ही अधिक जल्दी जल्दी न ही बहुत देर में खाना खाना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि जब हमें कभी कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए या किसी भी काम के लिए देर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लाओ खाना जल्दी खाते हैं, तो बहुत जल्दी खाना खा के जो खाना 20 मिनट का खाना चाहिए 20 मिनट में हम लोग मुश्किल से 5 मिनट खा के खत्म कर देते हैं, तो वो हो गया अति द्रुतम। और कभी कभी हम लोग मेस में बैठे रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं तो हमारे मन के अनुरूप बहुत अच्छी फिल्म आती है, मैच आता है, क्रिकेट मैच आ रहा हो, तो हम लोग देखते हैं ना जो 20 मिनट का खाना होता है हम लोग 1 घंटे तक खींचते हैं, तो वो क्या होगा अति विलंबित। ठीक है, अगला पॉइंट देख रहे होंगे अजलपन। तो अजलपन मतलब न बोलते हुए खाना खाना चाहिए। तो हम लोग के बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते थे कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए उसका कारण हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट है अहसनम, न हंसते हुए खाना खाते समय हंसना भी नहीं चाहिए। हम लोग देखते हैं जनरली जब चार लोग खाना खाते हैं मेस में खाना खाते हैं हॉस्टल में, तो एक ऐसी बातें कर देगा कि कोई हंसी आ जाती है, तो हंसते समय क्या होता है या बोलते समय क्या होता है, जो फूड पार्टिकल होता है आपके ट्रैकिया के रूट में चला जाता है, एयरवेज में चला जाएगा और फूड पार्टिकल वहां पर आपको कफिंग करता है, बार बार आपको खांसी आने लगती है, तो वो क्या करता है कभी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए अजल्पम अहसनम अर्थात न बोलते हुए न हंसते हुए खाना खाना चाहिए। ग्यारहवां पॉइंट देख रहे होंगे तन मना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तन मना अर्थात मन लगाकर अर्थात कंसंट्रेशन के साथ अर्थात फुल माइंड के साथ खाना खाना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी कार्य की सिद्धि हमारे 100% इन्वॉल्वमेंट पे है, मन के इन्वॉल्वमेंट कंसंट्रेशन पे है। जितना हम मन लगाएंगे उस काम में उतना ही हम लोग का क्या होता है कि कार्य की सिद्धि होती है। तो उसी तरह से खाना खाना भी बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि हमारा शरीर इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो प्रमाण में है 120 अंगुल लंबा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रमाण है जो वो हमारे आहार पर ही डिपेंड करता है। उस प्रमाण को बनाए रखना, शरीर को बनाए रखने के लिए आहार का बहुत बड़ा रोल है और उसमें भी मन लगाकर खाना खाना बहुत बड़ा रोल होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे आत्मानम अभिसमीक्षा अर्थात अपनी आत्मा का विचार करके खाना खाना चाहिए। तो आत्मा का विचार करने का मतलब क्या है बच्चों, कि कभी कभी
कभी होता है कि हमारा खाने की शाम को इच्छा नहीं है, सपोज करिए हम लोग की शाम की इच्छा नहीं क्योंकि दोपहर हम लोग कुछ भारी भरकम खा लिया था, तो देखते हैं कि मेस में बहुत अच्छी चीज बन जाती है, मटन है, नॉन वेज है, मान लो जो वेज खाते हैं तो पनीर की सब्जी हो गया, मशरूम बन गया, लेकिन मजबूत तब उस कंडीशन में क्या होता है कि खाने की इच्छा नहीं है, आत्मा गवाही नहीं दे रहा, आत्मा कह रहा है कि नहीं खाना नहीं है, खाऊंगा तो मुश्किल से एक रोटी एक दो पीस खाऊंगा, लेकिन वहां पर अच्छी चीज बनाने के बाद फिर हम उतना ही प्रमाण में खाते हैं जितना हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल डाइट होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं आत्मा को दबा दे रहे हैं, आत्मा के मन को जो आवाज है उसको दबा दे रहे हैं, तो कहने के हमारे लिए वो अगले दिन नुकसानदेह होता है। उसी के हिसाब से कहने का मतलब जो जितनी आत्मा कहे जितना मन कहे उसके अनुरूप ही खाना खाना चाहिए, नहीं कह रहा है तो नहीं खाना चाहिए, खूब खाने को कह रहा है तो खूब खाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर ये भारत नियम अप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो स्वस्थ शरीर है स्वस्थ रहेगा, जो रोगी व्यक्ति है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है, अगर पूछे इम्पोर्टेंस क्या है तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या जीवन शैली से संबंधित जो विभिन्न बीमारियां होती हैं उसको रोकथाम के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम लोग समय से खाना खाएं, नियम पूर्वक खाना खाएं या भोजन का नियम जाने और सबको बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।